Hello everyone, today I, Sanat, and I, Pratham, will be talking about the NCCMP course that's offered by Shaheed Sukhdev College of Business Studies, Delhi University. So what's NCCMP, you might ask? NCCMP stands for NEC Academy Certified Capital Market Professional Course, and it's offered jointly by Shaheed Sukhdev College of Business Studies and NEC Academy. The objective of this course is to equip the students with the theoretical and the practical knowledge of the stock market so they can go and apply this knowledge in the real life when they go and trade in the equity markets. And is course ki eligibility ki agar aap soch rahe hoge ya to aap graduation pursue kar rahe ho ya fir agar aapne class 12 ki hui hai to yes you're eligible to pursue the course. Now ab baat karte hain syllabus ki. So the theory part, which covers 80 hours of theory, which will be conducted in the college premises itself, includes introduction to financial markets, fundamental analysis, technical analysis, derivatives, advanced derivatives, and also you will be get to work on a research project. And as Pratham said, 100 hours se 80 hours aapki theory hai, jo baki 20 hours aapka practical hai. Usme aap seekhoge live trading sessions kaise karte hain, aap seekhoge financial database ke bare mein, aap seekhoge technical analysis kaise karte hain, aur aap spreadsheets ke bare mein seekhenge. And ek aur cheez, आपका जो आप जो भी चैप्टर करोगे कोई भी मॉड्यूल करोगे उसका सॉफ्ट मटेरियल विल बी प्रोवाइडेड टू यू बाय द प्रोफेसर्स. सो नाउ दैट वी हैव टोल्ड यू अबाउट द सब्जेक्ट्स जो आप इस कोर्स में पढ़ोगे, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द डिफरेंट टॉपिक्स दैट यू विल बी स्टडिंग विद इन ईच सब्जेक्ट. सबसे पहले आपका आता है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें आप पढ़ोगे फाइनेंशियल मार्केट के बारे में, बीएससी के बारे में, एनबीएससी के बारे में, ऐसे सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ोगे. फिर सेकंड आपका आता है फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें आप बेसिकली कंपनी की बैलेंस शीट देखते हो एंड उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करते हो. सो दिस टाइप ऑफ एनालिसिस दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस यूजुअली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट. थर्ड हम आते हैं आपके टेक्निकल एनालिसिस में. टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली बहुत सारे चार्ट पैटर्न्स देखते हो एंड उसके बेसिस में आप इन्वेस्टमेंट करते हो. फिर आपका आता है बेसिक ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में सीखोगे, आप फ्यूचर मार्केट के बारे में सीखोगे एंड आप स्पॉट मार्केट के बारे में सीखोगे. फिर आता है एडवांस डेरिवेटिव, जो एक बेसिक डेरिवेटिव का सेकंड और एडवांस वर्जन है, जिसे बेसिकली यू गोना स्टडी अबाउट कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती है डेरिवेटिव में, हेजिंग कैसे करते हैं, आप ग्रीक्स के बारे में पढ़ोगे, ऑप्शन प्राइसिंग के बारे में सीखोगे. तो ये जो सारे आप टॉपिक्स पढ़ोगे सब्जेक्ट्स में, दिस इज गोना फॉर्म अ कॉम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ द फाइनेंस इंडस्ट्री. So, you know, it's going to form a very strong base and आगे जाके अगर आप फाइनेंस इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हो आपको बहुत हेल्प करने वाला है. अब हम बेनिफिट्स पर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इट एड्स अ लॉट ऑफ वेट टू योर सीवी. यू यूजुअली गेट प्रेफरेंस ओवर अदर स्टूडेंट्स व्हेन यू अप्लाई फॉर अ फाइनेंस जॉब. एंड इसके ऊपर से द नॉलेज विच यू विल गेन फ्रॉम दिस कोर्स यू कैन गो एंड अप्लाई दैट व्हेन यू गो आउट टू ट्रेड और इन्वेस्ट. एंड adding to your points as well, benefits में आपका ये भी है कि you know कभी आप for example आगे जाके आप किसी trading company के लिए interview कर रहे हो as an employee या फिर आप किसी bank पर जा रहे हो, they're gonna ask you a lot of derivative questions because it's a very conceptual subject. तो उसके लिए ये course आपको वो अच्छा सा base बना देगा derivatives में. And then of course आप खुद के पैसे invest कर रहे हो, as Pratham said खुद के पैसे invest कर रहे हो, उसमें भी आपको help मिलेगी. And this course it forms a very strong base जो आगे जाके if you wish to enter the finance industry is really gonna help you. So now let's talk about what the duration of the course is. ये कोर्स मेजरली 4 to 6 months के अराउंड रहता है. 100 आवर्स के आपके क्लासेस रहेंगे, जिसमें से 80 आवर्स आर गोना बी थ्योरेटिकल सेशंस, जिसमें आप सीखेंगे अबाउट द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, एंड 20 आवर्स होगा प्रैक्टिकल, जिसमें यू गोना इंप्लीमेंट व्हाटएवर यू हैव लर्न इन द थ्योरेटिकल सेक्शन. एंड आपकी मेजरली क्लासेस वीकेंड्स में होती है. इट यूजली स्टार्ट्स 9 to 10 के बीच में. अब देखते हैं मोड क्योंकि क्लासेस की. क्लासेस ऑफलाइन ही रहती है, दैट इज विद इन द कॉलेज प्रेमिसेस. एंड देन सीट्स कितनी होगी, यूजली 30 to 40 सीट्स रहती है. एंड वी डू दिस ऑन पर्पज बिकॉज अगर कम बच्चे होंगे तो टीचर ज्यादा पर्सनल अटेंशन दे पाएंगे ईच एंड एवरी स्टूडेंट को. अब इस कोर्स की फीस की बात कर लेते हैं. द फीस इज अबाउट 17,200 रुपीज, जिसके अंदर द कोर्स फी इज 17,000 और जो आप अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फीस देते हो वो है 200 रुपीज. डॉक्यूमेंट्स यू विल रिक्वायर इन ऑर्डर टू परस्यू दिस कोर्स आर, पहली बात तो आपको अपनी क्लास 12th की मार्कशीट या कोई भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा कि आपने क्लास 12th की हुई है. एंड एक आइडेंटिटी प्रूफ भी चाहिए होगा, जैसे आधार कार्ड. एंड आपको अगर एडमिशन फॉर्म चाहिए यू विल हैव टू गो टू द लिंक दैट इज sscbs.du.ac.in/nccmp-sscbs/. सो एज पर द मेंशन जो फीस है इस कोर्स की वो 17,200 है. तो वो तो या तो आप नेट बैंकिंग कर सकते हो जिसकी डिटेल्स आपको एडमिशन फॉर्म में मिल जाएगी, या फिर आप UPI कर सकते हो जिसका QR कोड आपको अगेन एडमिशन फॉर्म से मिल जाएगा. पर एप्लीकेशन है ही नहीं रुकती, इसके बाद आपको अपना एडमिशन फॉर्म और स्कैन डॉक्यूमेंट्स विद द प्रूफ ऑफ पेमेंट यू हैव टू ईमेल एट ncccmp@sscbsdu.ac.in. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जामिनेशंस. तो पहला एग्जाम इज द मिड टर्म एग्जाम विच विल बी कंडक्टेड बाय द कॉलेज इटसेल्फ इन द कॉलेज. द सेकंड इज द प्रोजेक्ट वर्क
that will be assigned and evaluated by the college, but you have to submit that prior to the end of exam. Now the third is the interim exam. That will ये online exam होगा जो NSE Academy के ही office में होगा, Delhi office में. But one thing to keep in mind is that you have to maintain a minimum of 75% attendance in all theory classes in order to be eligible to give the interim exam. As Pratham said, 75% आपको class attendance चाहिए जो theory classes, that is basically 80 hours of the 100 hours of classes that you will be taking. And now let's look at what are the requisites of the course completion. मतलब कि आपको क्या-क्या करना पड़ेगा in order to receive the certificate and course complete करने के लिए. So let's get into what are the requisites for course completion. तो as Pratham said, आपके टोटली तीन एग्जाम होते हैं. एक होता है आपका प्रोजेक्ट वर्क, एक होता है आपका मिड टर्म एग्जाम और एक होता है आपका एंटर्म एग्जाम, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय एनएससी इंडिया इटसेल्फ. अब आपको इन तीनों में 50% से ज्यादा स्कोर करना होगा अगर आपको कोर्स कंप्लीट करना है. एंड प्लीज रिमेंबर, ये जो कोर्स है नॉन प्रॉफिट कोर्स है. मतलब SSCBS के प्रोफेसर्स या फिर कॉलेजेस में कोई पैसे कमा नहीं रहे, उनको जो पैसे मिल रहे हैं वो एज इट इज स्पेंड कर रहे हैं आप लोगों की एजुकेशन, आप लोगों की ट्रेनिंग पे. अगर कॉलेज के थोड़े पैसे बच जाते हैं, थोड़ा बजट बच जाता है, थोड़ा टाइम बच जाता है, तो उसको यूज कर लेते हैं आपको एडिशनल चीजें सिखाने के लिए. जैसे लास्ट 5-6 ईयर्स में कॉलेज ने नोटिस किया है कि अगर टाइम और पैसे बच रहे तो एक्सेल सिखा रहे हैं, तो ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स बच्चों को एक्सेल भी सीखने के लिए मिल रहा है बिकॉज थोड़ा टाइम और बजट बच जाता है. सो नाउ विल शो यू हाउ टू एनरोल फॉर द कोर्स. तो जो हमने आपको पहले लिंक बताई थी, दैट इज SSCBS.DU.AC.IN/NCCMP-SSCBS, तो आप जाओगे तो एक शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज़ का पेज खुल जाएगा, NCCMP पेज का. ओवर देयर यू कैन फाइंड एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द कोर्स. एज यू कैन सी उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा, कंटेंट्स पता चल जाएंगे. जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है जो कि डॉक्टर नरेंद्र कुमार निगम जी है, उनके आपको ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी मिल जाएगा, सो दैट इफ़ यू हैव एनी फर्दर डाउट्स यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट हिम. बैच साइज, जो टाइमिंग है, वेन्यू क्या है, क्लासेस आपकी कहाँ होगी, एलिजिबिलिटी क्या है इन ऑर्डर टू एनरोल फॉर द कोर्स, प्रोग्राम फीस, प्रोग्राम ड्यूरेशन, ये सब हमने आपको पहले बता दिया, बट आपको रिटर्न फॉर्म में आप ये सब आपको डिटेल्स मिल जाएगी. एज यू कैन सी जो पहला टैब है, दैट इज आपका एडमिशन नोटिस. अगर आप उस टैब पे क्लिक करेंगे तो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, एज यू कैन सी, जहाँ पे आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स आपको रिटर्न फॉर्म में मिल जाएगी कि कोर्स की टाइमिंग्स क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रूफ भेजनी होती है, नेट बैंकिंग डिटेल्स, यूपीआई डिटेल्स, पेमेंट डिटेल्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा. जो सेकंड टैब है अबाउट द कोर्स, ओवर देयर अगेन आपको बैंकिंग पेमेंट डिटेल्स मिल जाएंगी एंड उधर आपको पूरा कोर्स कंटेंट्स ही मिल जाएगा कि 80 आवर्स थ्योरी में क्या पढ़ते हैं, 20 आवर्स प्रैक्टिकल में क्या पढ़ते हैं, एग्जामिनेशन कैसे टाइप का होता है एंड पास कैसे होना होता है. जो आपका थर्ड टैब है, दैट इज एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पे ऑफकोर्स यू हैव टू फिल योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी क्वालिफिकेशन भरना होगा, यू हैव टू टेक एन अंडरटेकिंग. जो लास्ट टैब है, दैट इज नोटिफाई मी फॉर नेक्स्ट बैच, तो अगर आप उसमें क्लिक करोगे तो एक गूगल डॉक्यूमेंट खुल जाएगा ऐसे, वहाँ पे आपको अपनी इन्फॉर्मेशन, नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालनी होगी, सो नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर द कॉलेज इज स्टार्टिंग अ न्यू NCCMP बैच आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी.